नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं आपका दोस्त दीपक और स्वागत करता हूं आपका मेरे इस चैनल फन एंड नॉलेज ओशन पर। दोस्तों, इस वक्त देश में क्रिकेट का माहौल अपने पूरे शुमार पर है। हिंदुस्तान बहुत अच्छा क्रिकेट भी खेल रहा है। अभी कुछ दिन पहले IPL भी खत्म हुआ, तो मैंने सोचा कि आज एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें आपको क्रिकेट के बारे में, स्पेशली वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग नॉलेज दी जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आप लोगों में से बहुत कम लोग जानते हों। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरे वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, शायद आप नहीं जानते होंगे या बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि दुनिया का पहला वनडे मैच, जिसे फादर ऑफ वनडे क्रिकेट मैच भी कहा जा सकता है, ये मैच 5 जनवरी 1971 को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। ये मैच 40 ओवर का था और इसमें 5 विकेट से ऑस्ट्रेलिया जीत गया था। भारत का इतिहास भी वनडे क्रिकेट में काफ़ी पुराना है। भारत ने अपना पहला वनडे मैच 13 जुलाई 1974 को इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। ये मैच 55 ओवर का था और इस मैच में भारत 4 विकेट से हार गया था। इस मैच में भारत के कप्तान थे श्री अजीत वाडेकर साहब। सौरभ गांगुली भारत के एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने लगातार 4 मैचों में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीता है। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं और ये फैक्ट भी है कि शाहिद अफरीदी ने जो फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई थी, 36 गेंदों में जो 100 रन बनाए थे, वो मैच सचिन तेंदुलकर के बल्ले से उन्होंने खेला था और वो जो बैट था वो सचिन तेंदुलकर ने वकार यूनिस को गिफ्ट किया था। पाकिस्तान के आकिब जावेद दुनिया के एकमात्र ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने 3 LBW विकेट लेकर अपनी हैट्रिक बनाई थी। ये कारनामा उन्होंने 1992 वर्ल्ड कप के फाइनल में लगातार अजहर, सचिन और रवि शास्त्री का विकेट लेकर किया था। लांस क्लूजनर, अब्दुल रज्जाक, शोएब मलिक और हसन तिलक रत्ने, ये 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने वनडे मैच में 10 अलग अलग पोजीशंस पर बैटिंग की है। एक फैक्ट ये भी है कि महेंद्र सिंह धोनी ने, जो महान हमारे देश के बल्लेबाज हैं और कप्तान भी हैं, सबसे सफल कप्तानों में उनका नाम आता है, लेकिन ये फैक्ट है कि महेंद्र सिंह धोनी ने आज तक एशिया से बाहर 1 भी शतक नहीं मारा है। पाकिस्तान के स्पिनर सईद अजमल आज तक 1 भी वनडे मैच में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड नहीं जीत पाए हैं। श्रीलंका के शमिन एरंगा ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट, वनडे और T20 के पहले ओवर में विकेट हासिल की है। वेस्टइंडीज के एक खिलाड़ी हैं कैमरन कफी, जिन्होंने कोका कोला कप टूर्नामेंट में 23 जून 2001 को मैन ऑफ द मैच जीता था और इस मैच में उन्होंने ना तो कोई रन बनाया था, ना कोई कैच लिया था और ना ही कोई विकेट लिया था। ये एक अनोखा विश्व रिकॉर्ड है। ये मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला गया था और इस मैच में उन्होंने 10 ओवर में 2 मेडन ओवर किए थे और 20 रन दिए थे, इसलिए उनको मैन ऑफ द मैच दिया गया था। आपको जानकर ये हैरानी होगी, श्रीलंका के जो खिलाड़ी हैं जयसूर्या और ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी हैं शेन वॉन, ये दोनों वर्ल्ड के महान खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन जयसूर्या के वनडे क्रिकेट में शेन वॉन से ज़्यादा विकेट्स हैं। जयसूर्या ने वनडे क्रिकेट में 323 विकेट लेकर अपना ये रिकॉर्ड बनाया है और शेन वॉन के वनडे क्रिकेट में सिर्फ 293 विकेट्स हैं। शाहिद अफरीदी, जो पाकिस्तान के बल्लेबाज हैं, 398 मैच खेल चुके हैं लेकिन वो 1 भी मैच में 100 से ज़्यादा बॉल नहीं खेल पाए हैं। पाकिस्तान के ही मिसबा उल हक के नाम एक इनके नाम एक ऐसा रिकॉर्ड है वनडे में जिन्होंने बिना शतक के सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं, 5,122 रन। वेस्टइंडीज़ के माइकल हॉल्डिंग, इन्होंने अपने वनडे करियर में 900 ओवर फेंके थे लेकिन इनमें से 1 भी बॉल वाइड नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसी तरह से पाकिस्तान के सईद अजमल, ये जो बॉलर हैं, इन्होंने 1,000 ओवर फेंके हैं वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में लेकिन इन्होंने आज तक 1 भी नो बॉल नहीं किए। वनडे क्रिकेट में पहला शतक बनाने का रिकॉर्ड डेनिस एमिश
के नाम है। इन्होंने 103 रन बनाए थे और पहला दोहरा शतक बनाने का रिकॉर्ड है हमारे सचिन तेंदुलकर के साथ। वनडे क्रिकेट में सबसे धीरे शतक मारने का रिकॉर्ड है डीसी बून, ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे। इन्होंने 166 गेंदों में शतक बनाया था। और सबसे तेज वनडे क्रिकेट का शतक बनाने वाले खिलाड़ी हैं दक्षिण अफ्रीका के ए बी डिविलियर्स, इन्होंने 31 गेंदों में अपना शतक पूरा किया था। वनडे मैच में सबसे कम स्कोर बनाने का रिकॉर्ड जिम्बाब्वे के नाम है। इन्होंने 50 ओवर में सिर्फ 35 रन बनाए थे और ये टीम ऑल आउट हो गई थी, 50 ओवर से पहले ही ऑल आउट हो गई थी। और सबसे ज़्यादा स्कोर करने का रिकॉर्ड है इंग्लैंड के नाम, इन्होंने 444 रन बनाए थे 50 ओवर में। दोस्तों आपको ये बात जानकर हैरानी होगी और ये हिंदुस्तान के लिए बहुत गर्व की बात है कि अभी तक 2086 खिलाड़ी वनडे क्रिकेट खेल चुके हैं और इनमें से 2073 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके टोटल रन सचिन तेंदुलकर के आधे रनों के बराबर भी नहीं है। इंग्लैंड के जो रूट अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने पहले 7 वनडे मैचेस में 25 या इससे ज़्यादा रन बनाए थे। वसीम अकरम जो पाकिस्तान के महान बॉलर रहे हैं, इन्होंने वनडे और टेस्ट क्रिकेट दोनों में हैट्रिक ली हुई है और ये एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने वनडे और टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक मारी है और ये सिर्फ रिकॉर्ड उन्हीं के नाम है। शाहिद अफरीदी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक मैच में 5 विकेट, 50 से ज़्यादा रन 3 बार से ज़्यादा बनाए हैं। ना तो कोई खिलाड़ी एक बार से ज़्यादा आज तक ऐसा कर पाया है। वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा बार 5 विकेट लेने का रिकॉर्ड वकार यूनिस के नाम है, इन्होंने 13 बार 5 विकेट से ज़्यादा विकेट लिए हैं। लगातार सबसे ज़्यादा जीत का रिकॉर्ड, लगातार सबसे ज़्यादा वनडे मैचेस में जो जीत हुई हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा मैच जीता है कंटिन्यूसली 21 मैच, और सबसे ज़्यादा हार हुई है बांग्लादेश की जो लगातार 23 वनडे मैच हारी थी। स्कोर का पीछा करते हुए सबसे ज़्यादा रनों का मैच जीतने का रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के नाम है, इन्होंने 434 के जवाब में 438 रन बनाए थे। ये मैच 2006 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था और इस मैच में हर्षल गिब्स ने 175 रन ठोके थे। वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड सिर्फ सचिन तेंदुलकर के नाम है, इन्होंने 18,426 रन बनाए हैं 463 मैचेस खेलकर। इनकी सबसे ज़्यादा सेंचुरीज भी हैं 49 सेंचुरीज और 96 हाफ सेंचुरीज इन्होंने बनाई हैं। एक वनडे मैच में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम है, इन्होंने 264 रन बनाए थे, वो मैच तो सभी को याद है। वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा चौके मारने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है, जिन्होंने 2016 चौके मारे हैं। और सबसे ज़्यादा सिक्स मारने का रिकॉर्ड शाहिद अफरीदी के नाम है, जिन्होंने 351 सिक्स मारे हैं। वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड मुरलीधरन के नाम है, मुथैया मुरलीधरन जो श्रीलंका के महान बॉलर रहे हैं, इन्होंने 534 वनडे क्रिकेट में विकेट्स लिए हैं। वनडे क्रिकेट में सबसे अच्छी बॉलिंग का रिकॉर्ड श्रीलंका के चामुंडावास का है, इन्होंने 10 ओवर में 19 रन देकर 8 विकेट लिए थे। और सबसे खराब बॉलिंग का रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया के मिक लेविस, इन्होंने 10 ओवर में 113 रन दिए थे। वनडे मैच में रनों के हिसाब से सबसे बड़ी जीत न्यूजीलैंड के नाम, 290 रनों से न्यूजीलैंड वो मैच जीता था। और गेंदों के हिसाब से सबसे बड़ी जीत इंग्लैंड के नाम है जो 277 गेंदों से वो मैच जीते थे। क्रिकेट के इतिहास का सबसे लंबा सिक्स मारने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी के नाम है, इन्होंने जो सिक्स मारा था वो 158 मीटर का था और ये सिक्स 17 मार्च 2013 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुए वनडे मैच में लगाया गया था। क्रिकेट के इतिहास की सबसे तेज बॉल फेंकने का रिकॉर्ड महान बॉलर जो मेरे भी फेवरेट हैं, वन ऑफ द फेवरेट्स हैं, शोएब अख्तर के नाम है, इन्होंने 2003 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ फेंकी हुई बॉल जिसकी स्पीड थी 161.3 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको बता दूं कि आज तक केवल 3 बॉल ही 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ज़्यादा फेंकी जा सकी हैं। तो दोस्तों ये थी वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग जानकारियाँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मुझे ये भी बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत 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 ध्यान रखें। जय हिंद।